लखनऊ से मेरी बहुत पुरानी साथी जो मुंबई से आई हुई हैं, पूनम सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश की छोटी बहू, अपने आप को बड़ी बहू मानती हूँ, छोटी बहू डिंपल यादव, संजय सेठ जी जो पार्लियामेंट में मेरे साथ हैं, और इस मंच पर उपस्थित सारे समाजवादी पार्टी के अधिकारी, कार्यकर्ता और आप सब भाई और बहनों जो बूथ के रखवाले हैं। रखवाले की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है और बहुत अहम है। इस देश में इस वक्त जो माहौल है, जो रखवाला है, वही देश के साथ गड़बड़ कर रहा है। मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही। अभी ये जोश जो है आप अभी दिखा रहे हैं, मैं देखना चाहूं कि उस वोटिंग के दिन क्या ये सब जोश दिखाई देगा या नहीं। आप लोगों को जोश दिखाना है, ये दिखाना है कि समाजवादी कार्यकर्ता जो बूथ के रखवाले हैं वो सही तरीके से रखवाले हैं, और देश का भी, हमारे कैंडिडेट का भी रखवाले हैं। सही है या नहीं है? सबका हाथ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्या बात है। महिलाएं सबसे आगे हाथ बुलाती हैं, आप लोग थोड़े कमजोर हो गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की यह प्रथा रही है, जब हमारे यहाँ नए नए लोग आते हैं, नए नए कार्यकर्ता आते हैं, हम सबको कार्यकर्ता समझती हूँ, उनका हम आदर सम्मान करते हैं और उनको दिल से पूरी ताकत से जिताकर ये बताते हैं कि आप कहीं से भी हों, आप समाजवादी के आरक्षण में आई हैं, आपकी रखवाली हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और देखिए, ये तो आप लोगों को मुझे वादा करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे मुंबई में घुसने नहीं देंगी। पड़ोसी भी हैं मेरी सखी भी हैं, और आज से नहीं, इनसे मेरा 40-45 साल का रिश्ता है, और मैं पूनम जी को मुंबई नहीं जाने देंगे। अब तो मुश्किल हो जाएगा भैया, ऐसे मत कहिए। नहीं, बम्बई में भी जाएंगी, मगर आप लोगों की खातिर ज्यादा करेंगी। यहाँ से पूनम जी, आप यहाँ से लड़ रही हैं, यहाँ के लोग और खास तौर से समाजवादी पार्टी वाले बहुत भावुक और बहुत ही इमोशनल होते हैं। अगर आप इनको प्यार देंगी तो आप देखिए, आपको ये झोली भर भर के प्यार देंगे, आपका साथ देंगे और आपको जिताएंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मेरी शुभकामनाएं आप वर्कर्स के साथ है, महिलाओं के साथ तो ज्यादातर। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।